हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं गांव, अभी जा रहे हैं फिलहाल हजारीबाग। और हजारीबाग में वहां जा रहे हैं मामा के यहाँ, जहाँ पिछले बार नहीं जा पाए थे वहीं जा रहे हैं। फिर मामा के साथ हमको निकलना है कहीं, लेकिन ये वो बस नहीं है जिससे अभी हम लोग जाएंगे, ये दूसरा बस है। मतलब वो तो डायरेक्ट जाता है हजारीबाग, मतलब बोकारो से हजारीबाग डायरेक्ट जाता है, लेकिन ये जो बस है ये थोड़ा घुमा फिरा के जाता है। मतलब वो 3 घंटा लेता है तो ये 5 घंटा लेता है, मेरे को जहाँ तक याद है। पिछले बार गए थे तो 5 घंटा लिया था। या कोई दूसरा बस मिल गया तो दूसरा बस से चल जाएंगे, वरना इसी से ही जाने की कोशिश करेंगे जो मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी है, थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम लोग अभी। भाई साहब, ये एक सामान, ये तो मेरा बैग हो गया, इसमें हम कुछ कुछ अपना ज़रूरी सामान ले लिए, जो जो लेना था, और इसमें पूरा सामान आ गया हम लोग का, एक ट्रॉली में और वो बैग में, सिंपल स्कूल बैग में। और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो। भाई रेडी, चलो निकलते हैं। भाई धूप गजब हो गया, बिगड़ वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ जाएंगे, रुकिए, पूरा बिगड़ वाला, हाँ, पूरा भीड़ वाला फीलिंग आ रहा है। आयु उधर आइसक्रीम भी बेचने लग गया, अब लग रहा है सही में गर्मी आ गया। फाइनली अभी पहुंच गया बस स्टैंड, और वो तेनू घाट होके नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे रामगढ़ी होके जाएंगे। ये बस जो रामगढ़ होके जाएगा, खुलेगा ये 3:30 बजे खुलेगा, और पहुँचेगा वो 6:30 बजे के लगभग में पहुँच जाएगा। ये बस हम लोग जा रहे हैं, और वो पीछे वाला जो बस है वो जाएगा गोमिया होके, जो तेनू घाट होके जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट पहुँचेगा, तो जल्दी पहुँचना है इसलिए इसी से जाएंगे। बाकी बस का इंटीरियर में, ये इंटीरियर है, ये तो अपना ही बैग है सब बस में ना, ये वाला जो सीट रहता है ना भाई, बहुत मज़ेदार रहता है ये ड्राइवर के पास वाला, ऐसे बहुत मस्त होता है सीट। और ये अपने अंकल जो ये बस चलाएंगे, ये ड्राइवर, ये बस निकल गया भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टार बस में हमको लगता है, देखिए कितना, 1 2 3 4 5 5 6 6 2 12 12 24 24 और 2 छब्बीस तो 26 सीट है भाई, 26 सीट है भाई। और आगे वाला को उसको पता नहीं उसमें कितना ही बैठ जाता है, अब बाकी जितना अटेगा उतना अटता ही। इसका भी सीट वो गद्दा वाला है भाई। बहुत गर्मी हो रहा है यार, अब लग रहा है गर्मी आ गया, लेकिन हमको लगता है फिर अभी बोले फिर रात में ठंडा हो जाएगा। तो ब्राउन जैकेट में जो इंसान दिख रहा है ना, और जो हाथ रखा हुआ है मुंह पे, भाई ये लड़का हमको 1.5 साल पहले मिला था। समय मेरे को बोला कि ये लड़का बहुत दूर से आता है, भाई भैया हम बहुत दूर से आते हैं, हमको पैसा दीजिए, हमको कुछ खाना है। और आज भी ये 1.5 साल बाद यही काम कर रहा है, अभी आके हम ही से पूछता है कि भैया पैसा दे दीजिए, हमको थोड़ा सा काम है। मतलब इसको 1.5 साल में कहीं नौकरी भी नहीं मिला, और ये लड़का ऐसे ही सब जगह मांगते फिरता है बोकारो में। हम इसको इतना जगह देख लिए, कभी बोल देता है घर में सब बीमार हैं, कभी बोल देते हैं हम बहुत दूर से साइकिल चला के आ रहे, कभी क्या क्या। भाई ऐसा ऐसा स्कैमर सबसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग का सामान लेके जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ लेके जा सकते हैं, इसलिए बच के रहना चाहिए। ये लोग जो रहते हैं ना, आपको बुलाएंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, और अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो आपका सामान भी गायब कर देंगे। भाई डिपार्चर का समय हो गया, आगे तो बोलो ले ले, पर जाल के निकाल लो, सही हो ना, जाए ना तो क्या। आइए जी आइए,
आप लोग आराम कर जाएंगे ना। मिक्सर लाए थे घर से लेकिन मम्मी ना कहाँ जाएंगे भाई? इतना भीड़ है ना भाई, इस बस में पहले था इतना भीड़ था तो एक्चुअली में अभी हमको खाली मिला पेटरवार के बाद, तब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। इतना बहुत ज़्यादा भीड़ था। फाइनली पहुंच गए यहाँ पे हजारीबाग। अभी सामान निकलते हैं अपना, सब थकान वाला रास्ता। टोटो ले लिए हैं, जा रहे घर। घर जाके आप लोग से बात करते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। बस फाइनली अभी घर पहुंच गए। और ये देखिए अभी मेरा छोटा भाई क्या मस्त चीज़ बनाया है। इसका स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था, इतना मस्त बनाया है ना, क्या मस्त बनाया है देखिए, इसे क्या डिटेलिंग में बनाया है ये। तो घर में ही थोड़ा तो दिखा दीजिए। अरे ये बनाया